नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुदीप टेक लर्निंग में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक बहुत ही मजेदार वीडियो, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि गूगल पे आप कैसे जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे आप जो है बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या करनी है, आपको प्ले स्टोर में जाना होगा और सिंपल से यहाँ पर आपको सिर्फ जी पे करके टाइप करना होगा। तो जैसे आप जी पे टाइप करोगे, यहाँ पर जो है ये ऐप आपको दिखाई देगा, इसको आपको सिंपल से यहाँ पर इंस्टॉल कर देना है। बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर ये इंस्टॉल हो जाएगा, बहुत ही कम साइज वाला ऐप है, तो मात्र 11-12 MB का ये ऐप है। तो आपके नेट की स्पीड पर डिपेंड होगा ये कैसे जल्दी से यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये इंस्टॉल हो जाएगा तो ओपन कमांड आ जाएगी, वहां से हम इसे जो है ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर ओपन कमांड आ चुके हैं। तो यहाँ पर से मैं इसे ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पर ओपनिंग इंटरफेस, सबसे पहले आपको जो है फोन नंबर पूछेगा, तो आपको यहाँ पर अपने मोबाइल फोन में जो सिम है वही फोन नंबर डाल देना है और साथ में ये फोन नंबर आपका जो है बैंक अकाउंट के साथ लिंक होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपका गूगल अकाउंट सिलेक्ट करना है आपको और कंटिन्यू कर देना है। जैसे यहाँ पर कंटिन्यू कर देंगे, आपको जो है वेरिफिकेशन के लिए एक OTP आ जाएगी, तो ये ऑटोफिल हो जाएगी OTP। जैसे ये OTP ऑटोफिल हो जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन सक्सेसफुल करके आ गया है यहाँ पर। तो इसके बाद यहाँ पर आप जो है सिक्योरिटी के लिए आपको पूछेगा, तो यहाँ पर चाहे तो आप स्क्रीन लॉक डाल सकते हैं या फिर पिन कोई क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीन लॉक सिलेक्ट किया है, तो ये आपके मोबाइल फ़ोन का ही लॉक यहाँ पर इस पर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके बाद आप देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है ऐप हमारा, यहाँ पर आप न्यू पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर बैंक अकाउंट को हम यहाँ पर लिंक करेंगे, तो कैसे लिंक करते हैं ये आपको मैं वहाँ पर बताऊंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी बैंक्स के ऑप्शन है, तो आप कोई भी जो है बैंक सभी यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप अपना बैंक यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मेरे बैंक को चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको पूछेगा वेरिफिकेशन के लिए एक SMS भेजने के लिए, तो यहाँ पर इसको कंटिन्यू कर देना है आपको। तो यहाँ पर ये एक SMS भेजेगा, तो इससे जो है यहाँ पर वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा, वेरीफाइंग विद द बैंक हो जाएगा इसके बाद, और बाद में बैंक अकाउंट से जो है आपका लिंकेज आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल्स फाइंडिंग देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो सब होने के बाद सिंपल से आपको कंटिन्यू कर देना है, आपका अकाउंट यहाँ पर लिंक हो जाएगा। तो इसके बाद ये देखिए मोबाइल नंबर तो लिंक हो गया, यहाँ पर बैंक अकाउंट जो है गूगल पे के साथ लिंक हो गया और अकाउंट एडिट करके यहाँ पर आपको सिंपल से आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल से नाम देना है अपने अकाउंट को, यहाँ पर आप कुछ भी नाम डालें और उसके बाद सिंपल से कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। जैसे हम यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो इसके बाद हम जो है यहाँ पर फुल एक्सेस यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि रिवॉर्ड सेक्शन, गेम सेक्शन वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं, बिल पेमेंट्स वगैरह। तो यहाँ पर आप सेटिंग्स में देखिए, तो यहाँ पर जो भी आपका अकाउंट लिंक है वो आपको दिखेगा, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं और बाकी सारी बहुत सी चीज़ें भी कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको पसंद आ गया तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसके लिए आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लर्न स्मार्ट बी वर्क।